यूपीएससी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 276 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। 74 सीटों पर बीजेपी जीत है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 110 सीटों पर गुपकार गठबंधन को जीत मिली है, वहीं कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली है। 49 पर जीत चुकी है अपनी पार्टी को, 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सबसे बड़ा दल गुपकार अलायंस। शालिनी और प्रत्युष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शालिनी का हम रुख करना चाहेंगे। शालिनी, एक नई सुबह की शुरुआत कश्मीर की आवाम के लिए, कश्मीर के युवाओं के लिए, जिस आजादी की वो मांग पिछले कई दशकों से कर रही थी, आज वो मांग पूरी होती हुई। शालिनी का हम रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर देखिए किस तरीके से जश्न जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है ढोल लगाड़ों के साथ, क्योंकि ये जीत बहुत बड़ी है। प्रत्युष भी हमारे साथ मौजूद है। प्रत्युष, आजादी की नई सुबह जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जिसकी मांग पिछले कई दशकों से की जा रही थी। और जी, हिंदुस्तान ग्राउंड जीरो से उस नई सुबह की तस्वीर लगातार दिखा भी रहा है, अलग अलग जगहों से। डल लेक कुशीनगर में जहां पर शालिनी मौजूद है शिकारे के बीच में, और मैं यहां पर जीरो ब्रिज पर मौजूद है। ये झेलम का किनारा और ये खूबसूरत श्रीनगर का ये पूरा नजारा, और ये देखिए आते जाते यहां पर लोग, ये सबसे पुराना ब्रिज, और जो भी अगर यहां पर आता है तो एक सिग्नेचर मार्क जीरो ब्रिज को जरूर देखना चाहता है। और अब सवाल यह हो रहा है कि भाई नई सुबह हम इसे क्यों कह रहे हैं। कश्मीर की नई सुबह इसलिए भी है कि अब तक जो कश्मीर की छवि पेश करने की कोशिश की गई, अब तक जो कश्मीर की तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई, ये तस्वीर उससे बिल्कुल जुदा है, उससे बिल्कुल अलग है। यहां पर हम पहले क्या होता है कि यहां पर आप लोगों से बात करने जाए तो लोग कतराते हैं आपसे बात करने को, उनको लगता है कि क्या पता नहीं क्या आप उनसे पूछोगे, क्या उनके मन में है, क्या वैसी तस्वीर चली जाएगी। लेकिन हम जी हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है लोगों से समझने की, बात करने की, कि वो इस पूरे कश्मीर को किस तरीके से देख रहा है। ये कश्मीर की आज एक नई सुबह है। डीडीसी इलेक्शन भी देखिए बहुत अच्छे से पीसफुली हो गए। क्या चाह रही है पूरी आवाम यहाँ पर? बिल्कुल अमन चैन कायम है। चैन चाहिए और क्या चाहिए। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल अमन चैन है, बिल्कुल पीसफुली है सब कुछ। सर है, लेकिन तो अभी कहाँ है, अभी ठीक नहीं है। तो हालात धीरे 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 अब हालात ठीक हो जाएंगे पूरे हालात। लेकिन इसके लिए जो लोगों में एक जैसे लोगों ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, वो तो बहुत जरूरी है, इसीलिए किया जी। हालात ठीक रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर युद्ध क्या चाहता है, उनको बेसिक नीड्स क्या है, बुनियादी सुविधाएं उनको क्या चाहिए? सर ये चाहिए, ठीक होना चाहिए, इधर का काम धंधा चलना चाहिए, और क्या चाहिए। क्योंकि लोग आए, सैलानी आए, टूरिस्ट आए, उसी से तो ठीक होना चाहिए, और क्या, नहीं तो हालात खराब हो जाता है इधर। आप क्या करते हो यहाँ पर? सर हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं मजदूरी में, क्या करते हैं? सर ये पत्थर काम, ईंट काम चलता है। हाँ, तो ये काम चल रहा है, इसीलिए इधर क्या, अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही हैं। धीरे धीरे तो आ रही है, वो बात सही है, बात सही है। देखिए ये, लेकिन एक इधर एक महीना ठीक होता है, दूसरे महीने हड़ताल हो जाती है इसमें, इसीलिए अब इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ सर, इसी देखिए ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव संकेत है कि धीरे धीरे अब ये हालात सुधर रहे हैं। तो ये यहाँ की आवाम क्या चाहती है बाकी जगहों की तरह? उनको भी बस यही चाहिए, बेसिक नीड, हाथ में नौकरी चाहिए, रोजगार धंधे अच्छे से चले, सब कुछ अच्छा हो, सैलानी यहाँ पर आए, तो उसके बाद फिर देखिए जन्नत की फिजा का रंग ही कुछ और होगा। हमारे साथ शालिनी भी डल लेक से मौजूद है, मैं उसका भी रुख करूंगा। शालिनी, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए शुरुआत में एक कश्मीरी गाने के साथ करती हूँ। दो लाइनें वो सुनिए आप। प्रेम दी साथी चंद्रोस प्याल गो कली, चंद्रोस प्याल गो कली, वदना सिये तचलायक गो दिला। क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है? जो गाना है ये जो कश्मीरी है, इसमें मीनिंग है, इसमें हिंदी में मीनिंग नहीं है, ये कश्मीरी है। ना किसी को कोई होता है, डेड होता है, मरता है, फिर उसका अफसोस रहता है उसका। ये उसी के ऊपर एक गाना गाना गाता है उसके लिए। फिर जहाँ शादी होता है कहीं भी, उस टाइम ये गाना
सुना रहा है। अच्छा, उस समय ये गाना सुना रहा है, मतलब खुशी फैलाने वाला है। उस टाइम ऐसा है यहाँ जो हमारा जो कल्चर है, शादी होता है यहाँ ऐसा है। हम तो यहीं रहते हैं, लेक में ही है। हमारा जो भी रोजी रोटी इसके शिकारा के ऊपर है। और यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ जो शादी होता है, यहाँ बारात वारात नाव में आता है, जो बड़ा बड़ा ऐसा हाउस बोट होता है वो ओपन में होता है। बारात उसी में आती है, उसी में आते हैं, उसी में जाते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल बाहर है, कॉलेज स्कूल है, कॉलेज है आउटसाइड में है, लेक में यहाँ नहीं है। आप लेकिन लेक में ही रहते हैं? हाँ, हम यहाँ रहते हैं। हमारा हो गया बचपन से यहाँ, हमारा दादा भी यहाँ है, परदादा भी यहीं का है। अच्छा, लेक पे ही सुबह होती है, यहीं सोते हैं, यहीं उठते हैं? हम यहीं है, इधर ही है हमारा। जो जब भी कस्टमर के साथ यहाँ है, हम काम करता है, जब हमारा कस्टमर बोलता है सुबह छोड़ो, हमारा मॉर्निंग में छोड़ो, इवनिंग में आता है, हमका ड्यूटी होता है। अब आ रहा है कस्टमर, आ रहा है टूरिस्ट, आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जो सा हमारा 370 टूट गया, यहाँ प्रॉब्लम हो गया, फिर यहाँ कोविड हो गया, उससे ज्यादा, फिर यहाँ लॉकडाउन किया, उसके बाद ज्यादा ये बात, हम एक साल के बाद यहाँ काम पे निकल गया। एक साल के बाद काम पर निकले हैं। और जी हिंदुस्तान देखिए, वो एक साल के बाद जब ये काम पर निकले हैं तो हम इनके साथ हैं ताकि असल तस्वीर आप तक पहुंचा सके। लेकिन आप खुशियां लौट रही हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ अगर टूरिज्म आएगा, हर कोई आता है। जो बाकी है यहाँ ओसा है, जैसा यहाँ लोग आता है, आना चाहिए। जैसा हम यहाँ बाहर से आता, इंडोनेशिया आता, मलेशिया, शांति है। आप चाहते हैं सब लोग आए? सब लोग आएगा, अच्छा तरीके से यहाँ घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, जैसा हम लोग भी बाहर जाता है। वहाँ ऐसा नहीं होता, जैसा यहाँ आता है घूमने के लिए, जब हमारा काम सीजन होता है फिर यहाँ शुरू होता है, करता है, अफराई तफराई होता है, फिर हमारा सीजन बैठ जाता है। नया साल आने वाला है, ये नया साल कश्मीर के लिए नई खुशियाँ लेकर के आएगा? आएगा इंशाल्लाह, आएगा हर कोई इंशाल्लाह। ये जो न्यू ईयर है इधर में, हर किसी को आने का आएगा। एक्चुअली इन्हें जो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद किया, जैसा बाहर का लोग आता है, विदेश से आता है यहाँ घूमने के लिए, उनको यहाँ बंद किया, ऐसा कोविड की वजह से। अगर बिल्कुल शालिनी, आपको रोकना चाहेंगे इस बीच, एक बड़ी खबर मिल रही है डीडी से चुनाव में, दो कैंडिडेट चुनाव लड़ने को लेकर विवाद। पीओके से आई दो महिलाओं ने डीडी से चुनाव लड़ा था, पहले इन दोनों को चुनाव लड़ने की इजाजत मिली थी और अब प्रशासन ने चुनाव नतीजों पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, डीडी से चुनाव में दो कैंडिडेट चुनाव लड़ने को लेकर विवाद में सामने आए हैं। पीओके से आए दो महिलाओं डीडी से चुनाव लड़ा था, पहले इन दोनों को चुनाव लड़ने की इजाजत मिली थी, अब प्रशासन ने चुनाव नतीजों पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, दो कैंडिडेट के चुनाव को लेकर विवाद। प्रत्युष और शालिनी हमारे साथ मौजूद है। प्रत्युष, देखिए दो कैंडिडेट को लेकर ये जो पूरा विवाद हुआ है, पहले इजाजत दे दी गई चुनाव लड़ने की, लेकिन अब प्रशासन ने इस पर रोक लगा दिया है, किस तरीके से इसे देखें? दो 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 ना यार, देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के ये बयान है, ये पॉलिटिकल पार्टियों के जो बयान है, पॉलिटिकल पार्टियों के जो बयान है, ये बयान पहले से आ रहे हैं, ये बयान पहले से आ रहे हैं, और रिजल्ट वाले डे के पहले से भी, दिन के पहले से भी ये कहा जा रहा था कि नजरबंद कर दिया गया, हमें कैंपेन करने का मौका नहीं मिला। ये वही पार्टियां हैं जो एक समय कह रही थी कि इसका फायदा क्या होगा, इस कैंपेन करके फायदा क्या होगा, हम इस इलेक्शन से हम अपने आप को दूर रखेंगे। और अब जब रिजल्ट सामने आ गए हैं तो अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह के बयानों का फिर मतलब क्या है। इस तरह के बयानों का मतलब इसलिए भी है क्योंकि अब पता चल रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे वो सारी चीजें उनकी जागीरदारी या हुकूमत या मिल्कियत अब खिसक रही है। अब उनको यहाँ पर टक्कर देने के लिए दूसरा दल भी यहाँ पर तैयार हो गया है और अब उनको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कश्मीर की आवाम को कि आखिर इतने दिनों तक उनको अंधेरे में क्यों रखा गया। ये तमाम चीजें हैं जो इस बदलते हुए कश्मीर की नई सुबह के साथ यहाँ के आवाम के जहन में है और वो सवाल उन सियासतदानों से पूछेगा और हो सकता है भी आने वाले दिनों में से। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।